नमस्कार, आपका स्वागत है द ट्रिस्ट मीडिया की खास बातचीत हैव डेमोक्रेसी एंड डिसेंट बिन मॉडिफाइड और शैल आई से मोडिफाइड। बीते 12 जुलाई को अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर शायद उन्हें ये गलतफहमी है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतना है। असल में चुनाव जीतने के बाद ही लोकतंत्र की असली चुनौतियां शुरू होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार अपनी आलोचना को किस रूप में देखती है, उनके साथ जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं उनके साथ किस तरीके से वो व्यवहार करती है, वो होता है लोकतंत्र की असली परीक्षा। यदि हर असंतुष्ट आवाज को कुचल दिया जाता है तो ये माना जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और बाकी वॉइसेस ऑफ डिसेंट को खामोश करने की पुरजोर कोशिश की है। यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को कोट करना चाहूंगा। ही सेज, वंस अ गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ ऑपोजिशन, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear. इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद और हमारी दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर आकार पटेल। तो मैं आकार जी और प्रोफेसर अपूर्वानंद, आप दोनों से ये अनुरोध करूंगा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो अभिव्यक्ति की आजादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी मौजूदा हालात पर अपनी राय साझा करें। आकार जी, हम आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। देखिए, आर्टिकल 19 जहां पर ये आजादियां मौजूद है वो पहले से एक दबा हुआ आर्टिकल था, तो हम ने संविधान को देखें तो उसको उल्टा करके देखना होगा कि हमें जो हकूक दिए गए हैं उसके ऊपर जो सरकार ने ठोपे हैं अपने खुद के हक के, वो कहां पर हमें रोक सके, जिसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम से जाना जाता है, तो वो 2014 से के पहले से ही बड़े हो चुके थे हक से। तो आप देखें तो हमारे पास आजादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हम कुछ भी बोल या लिख सकते हैं, लेकिन काफी ऐसे कानून है जिसके जरिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया था पहले से। तो डेफेमेशन, कंटेम्प्ट है, सेडिशन है, 153A है, काफी ऐसी चीजें हैं। दूसरी एक आजादी जो 19 में है वो ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, के आप इकट्ठा होके शांतिपूर्वक आंदोलन, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। हुआ यह है कि सारे राज्यों में, सारे प्रांतों में ये हक जो है वो सिटीजन्स के हाथ से निकालकर पुलिस के हाथ में दिया गया है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो पुलिस आपको बताएगी कि ये हक आपके पास है कि नहीं है, आप इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तीसरा जो हक था 19 में फिर से वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, कि आप कोई यूनियन बना सकते हैं, आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, आप कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप बना सकते हैं, उस पर भी काफी दबाव आया था 2014 के पहले से ही FCRA के जरिए वगैरह वगैरह। 2014 के बाद हुआ यह है कि इन सारी चीजों को वेपनाइज किया गया, कि उनको एक हथियार बनाया गया है जैसे कि पहले नहीं हुआ करता था। तो आप देखें तो बहुत सी ऐसी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि तीसरा सेतलवाद है, मोहम्मद जुबैर जो है, जिनका जो गुनाह है वो सिर्फ डिसेंट ही था और कुछ गुनाह है नहीं। सरकार इन कानूनों का इस्तेमाल करके डिसेंट को दबा रही है एक ऐसे लेवल पर जो पहले मौजूद नहीं था, ये मानना होगा हमें। जो लोग इन चीजों पर काम करते हैं या तो मीडिया के जरिए या तो सिविल सोसाइटी के जरिए, वो ये जानते हैं कि 2014 के बाद और खास तौर पर 2019 के बाद जो माहौल है भारत में वो ये है कि जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि
गणतंत्र सिर्फ हर 5 साल आता है और जाता है, वोटिंग बूथ के साथ आता है, वोटिंग बूथ के साथ जाता है काउंटिंग के बाद। जो असली गणतंत्र है कि जहां पर आपके पास ये आजादी है कि आप खुलकर बोल सके, लिख सके, खास तौर पर सरकार के खिलाफ, वो आजादी आज भारत में नहीं है। और रैप अप के जरिए मैं कहूंगा कि ये आजादियां कम थी पहले, पर अब बिल्कुल ही नहीं है। थैंक यू सर। प्रोफेसर अपूर्वानंद, कुड यू प्लीज शेयर योर इनसाइट्स ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द कंट्री? आकार की बातों से मैं सहमत हूँ। आमतौर पर सारी सरकारें नियंत्रण करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि उनका काम सुचारू रूप से चले, इसलिए सरकार या सत्ता और जनता के बीच एक तनाव का रिश्ता रहता है। यह बात सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। दूसरे, चूंकि आजकल हमारी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ खोजते हैं कि हमारे यहाँ पुराणों में थी या नहीं, तो हम महाभारत को ही पढ़ लें। महाभारत में यह लिखा है कि सत्ता क्या कहती है। सत्ता यह कहती है कि धर्म क्या है यह मुझे पता है, लेकिन उस तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म क्या है यह भी मुझे पता है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। तो यह सत्ता का चरित्र है कि उसको धर्म पता है लेकिन धर्म की ओर उसका रुझान नहीं है, और अधर्म भी उसे पता है लेकिन उसे उससे छुटकारा नहीं। तो फिर कौन याद दिलाता रहेगा? और यह जो धर्म और अधर्म की याद दिलाते रहना है, यही एक तनावपूर्ण रिश्ता है जो हमेशा सत्ता और जनता के बीच रहता है, और यही वोट देने वाले लोगों को जनता में बदलता है। आप प्रजा नहीं हैं, आप जनता हैं। यह आप तब होते हैं जब आप लगातार सरकार को जवाबदेह बनाए रख सकते हैं। हम सबको यह पता है जनतंत्र के इतिहास को देखते हुए कि जनतंत्र पर तरह तरह के हितों का दबाव पड़ता रहता है। मसलन हम जिस तरह के जनतंत्र में रह रहे हैं उसके साथ ये कहना जरूरी है कि इसमें अलग अलग तरह की शक्तियां सक्रिय हैं। एक पूंजीवाद है और वह पूंजीवाद हर प्रकार का संसाधन चाहता है, प्राकृतिक संसाधन, बाकी संसाधन चाहता है, उसके पास इतनी ताकत है कि वह जो जनमत है उस जनमत को ही पूरा का पूरा खरीद ले, यह उसके पास ताकत है। फिर इस पर निगाह कौन रखेगा? उस पर निगाह उस अधिकार के जरिए रखी जाती है जिसके तरफ इशारा आकार पटेल ने किया है। वह अधिकार हमें मिले हुए हैं, इसलिए आप संगठन करते हैं, इसलिए आप सभाएं करते हैं, आप जुलूस निकालते हैं, यह ध्यान देने की आप अदालतों में जाते हैं, आप संगठन बनाकर सूचना के अधिकार का उपयोग करके सूचनाएं निकालते हैं, और उसके बाद आप किसी सरकारी कदम के प्रति विरोध जाहिर करते हैं, और ये विरोध जाहिर करने का तरीका, जैसा मैंने कहा, यह सब कुछ है, आप अदालत जाते हैं। आखिर फादर स्टैन स्वामी क्या कर रहे थे? फादर स्टैन स्वामी कोई राज्य से युद्ध तो नहीं कर रहे थे, वो इस राज्य को उखाड़ के फेंकने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। महेश रावत क्या कर रहे थे? आप महेश रावत को देख रहे, वो कोई राज्य को उखाड़ के फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह राज्य को उसके संवैधानिक दायित्वों की याद दिला रहे थे। फादर स्टैन स्वामी भी यही कर रहे थे। तो आप इसी को कह सकते हैं कि यह डिसेंट है, यह एक्ट ऑफ डिसेंट है। लेकिन 2014 के बाद यह देखा गया, आकार पटेल ने कहा कि इसके पहले भी वाजिब नियंत्रण के नाम पर बहुत सारे अधिकार राज्य के पास थे। लेकिन जैसा कहा जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान उतना ही अच्छा होता है या उतना ही बुरा होता है जितना वे लोग होते हैं जिनके हाथ में वह होता है। तो यह बात बहुत बुनियादी है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। अगर हमने संविधान को ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया चुनकर जो इस संविधान के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वे संविधान को निरस्त करें, उसको कहीं ले जाके रख दें, बल्कि इसी संविधान के प्रावधानों का उपयोग इसको बेकार कर देने में, इसको निष्प्रभावी करने में वे करेंगे। और 2014 के बाद से यह देखा गया और के जो हमारा हमें अधिकार मिले हुए थे
बल्कि संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द ही है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का मतलब है हर प्रकार की स्वतंत्रता। यानी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते हैं, उसके पहले मत की स्वतंत्रता है, संगठन की स्वतंत्रता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्रता दूसरे के बिना सार्थक नहीं, यह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं तो वह सिर्फ किसी के लेख लिखने की स्वतंत्रता नहीं, किसी बल्कि एक मजदूर संगठन के संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, उसके हड़ताल पर जाने की स्वतंत्रता है, है ना, किसानों के आंदोलन करने की स्वतंत्रता है। तो अगर एक लेखक ये कहेगा देखिए मुझे लिखने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही, तो क्या उसने यह देखा कि इसके पहले मजदूरों को हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं मिली थी? दोनों में संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आप जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसको आकार ने कहा कि हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है, अगर वे स्वतंत्रताएं सीमित होती जाएंगी तो फिर लेखक ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी आजादी बनी रहेगी। उनके रिश्ते को समझने की आवश्यकता है। और 2014 के बाद हमने यह देखा कि जब भारत के लेखकों ने और संस्कृति कर्मियों ने पहली बार अपना प्रतिकार किया, मोहम्मद इखलाक की हत्या के बाद नयनतारा सहगल ने इसको शुरू किया, उदय प्रकाश ने, अशोक वाजपेयी ने और फिर बहुत सारे लेखकों ने, उन्होंने कहा कि यह जो लिंचिंग है जिस पर राज्य कोई रोक नहीं लगा रहा, हम राज्य के इस रवैये के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करते हैं। तो यह देखा गया कि उन सबको अवार्ड वापसी गैंग का नाम दिया गया, ये नाम केंद्र सरकार ने दिया था। और उसके बाद यह भी आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर कैसे हमला किया गया, फिर आपने दूसरे विश्वविद्यालयों पर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर हमला देखा, आपने मद्रास IIT में जो पेरियार अम्बेडकर स्टडी सर्कल है उस पर हमला देखा, FTII में जो छात्रों का संगठन और आंदोलन था उस पर आक्रमण देखा, आपने कबीर कला मंच पर आक्रमण देखा। तो आक्रमणों का एक पूरा सिलसिला 2014 से दिखाई पड़ता है जो रुकता ही नहीं है। और जो जिसमें जो नई चीज जुड़ गई है वह यह कि अब यह सरकार कह रही है कि अगर आप कोई घटना घट रही है उसको भी बताएंगे तो उसे हम अपराध मानेंगे। जैसे त्रिपुरा में जब दुर्गा पूजा के समय पिछले साल मुसलमानों पर हमले हुए बहुत ज्यादा दुर्गा पूजा के बाद, और उन हमलों को दो नौजवान पत्रकारों ने रिपोर्ट करना शुरू किया, समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा ने, तो त्रिपुरा पुलिस ने उन्हीं दोनों को गिरफ्तार कर दिया। यानी अब आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके पहले सिद्दीक कप्पन हाथरस की घटना को रिपोर्ट करने जा रहे थे, उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह कहकर कि रिपोर्ट करना ही दरअसल अपराध है, रिपोर्ट करना ही हिंसा को जन्म देना है। और मोहम्मद जुबैर को भी यही कह के गिरफ्तार किया गया। यही दलील दी गई कि मोहम्मद जुबैर कह क्यों रहे थे, मोहम्मद जुबैर बता क्यों रहे थे कि हिंसक बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा बताने का मतलब था कि मोहम्मद जुबैर हिंसा फैलाना चाहते। तो हम ये देख सकते हैं कि अब यह एक तरह की रोजमर्रा की आफत में बदल गई है, यह चीज एक तरह की महामारी में बदल गई है, जिसका इस्तेमाल खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, केंद्र संघीय सरकार और उसकी राज्य सरकारें। सर मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो आपने मेंशन किया जो डिफरेंस है 2014 से पहले और 2014 के बाद, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आया है कि जो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन स्टेट की जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन थी, चाहे वो पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जांच एजेंसियां हो, वो नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों पर लगातार हमला करना उनकी तरफ से भी शुरू हो चुका है। जाहिर है इसका मुकाबला करने के लिए इन संस्थानों पर जो नियंत्रण है उसको हमें वापस लेना पड़ेगा, जनता को वापस देना पड़ेगा। एंड जो भाजपा के और संघ के लोग बैठाए गए हैं इन पोजीशंस पर, उनसे जब ये जांच एजेंसियां बाहर आएंगी, जब ये ब्यूरोक्रेसी बाहर आएगी, तभी वो सक्षम रूप से काम करना शुरू करेंगे। आकार जी, मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, आप
इसे कैसे देखते हैं, ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आगे कुछ सालों में? नोशनली देखें, बहुत से ऐसे भाग हैं सरकार के जो स्वतंत्र हैं नोशनली. देखें, जुडिशरी जो है वो संवैधानिक तौर पर ढांचे का एक हिस्सा है. नोशनली जज हमारे जो हैं वो स्वतंत्र हैं. तो मेरा ये मानना है कि आज जो हो रहा है भारत में वो नॉर्मल नहीं है, कि पिछले 75 साल आप देखें, उसके पहले आज़ादी से पहले आप देखें जजिस का जो बर्ताव रहा है. और मैं ये मानता हूँ कि आज से 10-15-20 साल बाद भी ये जो इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशरी में वो दिखाई देगा वक्त के साथ. आज वो नहीं है. हमारा ये जो भारत का जो इतिहास रहा है पहले से वो ये है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर, कोई पावरफुल लीडर आ जाए केंद्र में, तो उसके आगे जो है बाकी का जो ढांचा है सरकार का वो झुक जाता है. वो या तो वो दब जाते हैं लोग, या तो वो झुक जाते हैं. कुछ हद तक जुडिशरी इससे आजाद है. बाकी जो हिस्से हैं सरकार के, IAS है, IPS है, वो तो बिल्कुल ही सरकार के नियंत्रण में है. उन लोगों से ये अपेक्षा रखना कि वो लोग सिटीजन्स को के की जो आजादियां हैं उनको फेवर करेंगे सरकार के खिलाफ, तो ये नहीं होगा. बहुत ही मुश्किल है. मैं जहां तक मुझे याद है पिछले 20 साल में शायद 2 ही ऐसे IAS अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है सरकार के कारण. एक तो हर्ष मंदर जो थे 20 साल पहले, और कन्नन गोपीनाथ, शायद कोई एकाध और भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक इसी तरह से भारत की छवि जो है दुनिया भर में बिगड़ रही है. एक ऐसा देश बहुत से लोग मानते हैं कि जो संवैधानिक तौर पर जो होना चाहिए भारत में वो नहीं हो रहा है. और ये हमें दिखाई देता है ऐसी चीजों पर जहां पर मान लीजिए कि कश्मीर के मुद्दे पर पहली दफा US कांग्रेस में एक मोशन लगा था, CAA के खिलाफ यूरोप की पार्लियामेंट में एक मोशन लगा था. तो ये भारत के इतिहास में ये पहली दफा ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि बाकी जो गणतंत्र हैं वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, या कोई ऐसा स्टैंड ले रहे हैं कि भारत के अंदर जो हो रहा है कानूनी तौर पर वो ठीक नहीं है. इसके बावजूद IFS से कोई चू नहीं निकली अब तक, कि कोई ऐसा खड़ा होकर कह नहीं रहा है कि हमें जो होना है, जो आईन हमें कहता है कि हमें इस तरीके का सलूक और बर्ताव करना है अपनों के साथ, वो हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ नौकरी, ऐसी कोई भी व्यक्ति IFS में नहीं है. ठीक उसी तरह IPS में जो के जिसके अमुक भाग हैं एनफोर्समेंट के, ED जो है, CBI है, NI है, नोशनली ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो दिखाई नहीं देता कि इंडिपेंडेंस कहाँ है. ED का जो इस्तेमाल हुआ है खासतौर पर ऑपोजिशन की पार्टियां और नेताओं पर ही हुआ है, बावजूद इसके कि उसका 1% से कम कन्विक्शन रेट रहा है उसका पिछले 10 सालों में. तो हमारे संविधान में ऐसी जगहें हैं जहां पर हम रोशनी देख सकते हैं कि कुछ शायद होगा आगे, और वो जगह, वो स्पेसेस हैं जिनका इस्तेमाल जो किया जाए ठीक से, तो आज जो हो रहा है वो शायद ना हो या इतने स्तर पर ना हो. लेकिन फिर से जब कोई पावरफुल नेता आ जाता है, कैरिज्मेटिक नेता जो जीतता रहता है प्रांतों में, सेंटर में, तो ये चीज मुश्किल हो जाती है. फिर भी मेरा ये मानना है कि भारत चीन नहीं है. भारत के पास अभी भी ऐसे अंदरूनी हथियार हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जिसके जरिए हम सबको फ्यूचर के लिए कोई आशा रखनी चाहिए. प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार जी ने एक पॉइंट रेज किया पॉलिटिकल पार्टीज का. अब क्या आप मानते हैं कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट
एक्टिविस्ट रहे हैं उनको उनकी आवाज उठाने में पॉलिटिकल पार्टीज ने जस्टिस किया है और सही तरीके से क्या उनकी आवाज उठाई गई है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा? राजनीतिक दलों के दो काम हैं भारत जैसे जनतंत्र में, भारत संसदीय जनतंत्र है और भारत के बारे में हम आम समझ ये रही है कि यहाँ बदलाव चुनाव के जरिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ के राजनीतिक दल अपना मुख्य कार्य चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना मानते हैं और उसके लिए वे अपनी तैयारी करते हैं, उसी के हिसाब से वे अपनी भाषा तय करते हैं, अपनी जुबान तय करते हैं कि वो क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, और उनकी पूरी तैयारी हमेशा एक बहुमत के निर्माण में होती है, एक अक्सरियत बनाई जाए जो अक्सरियत चुनाव में उनको जिता दे। यह अक्सरियत कैसे बनेगी, इसमें कौन से मुहावरे काम करेंगे, कौन सी अपीलें काम करेंगी, राजनीतिक दल लगातार इस पर सोचते रहते हैं। एक तरह की प्रतियोगिता चलती रहती है अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच और एक समय यह दिखलाई पड़ता है कि एक जुबान अधिक हावी हो गई है, तो 2014 से जो जुबान हावी हो गई है हम यह कह सकते हैं कि यह एक हिंदू जुबान हिंदू भाषा है, यह हावी हो गई है। अब यह बात भी सारे राजनीतिक दल देख रहे हैं कि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को हिंदू मतदाता के रूप में पहचान रहा है और उसी की बहुसंख्या है, तो अगर आपको बहुमत का निर्माण करना है तो इन्हीं के बीच से आपको अपने बहुमत का निर्माण करना है, क्योंकि अगर आप इनके ज्यादा वोट नहीं ले पाए तो बाकी जो मतदाता हैं वो चाहे मुसलमान या कोई और हो वो आपके साथ आएगा नहीं, क्योंकि उसे बहुमत का आश्वासन नहीं होगा, उसे जहां बहुमत का आश्वासन होगा वह उसी की तरफ जाएगा। यह देखा गया है, आप ये अगर आप 1952 के बाद से चुनाव देख लें, खासकर 1967 के बाद के चुनावों को देख लें, तो आप यह देखेंगे कि जो राजनीतिक दल उस वक्त जो प्रभुत्वशाली दल रहा है जैसे कांग्रेस के विरुद्ध अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उसके पहले जनता पार्टी आई, तो उसके पीछे दूसरे समुदाय भी गए जो गैर हिंदू समुदाय थे, लेकिन उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वह ज्यादा वोट ला रहा है उनमें से, इसलिए वे सब कोशिश करते हैं उसको रिझाने की, उसको अपनी तरफ लाने की। तो पहले राजनीतिक दलों की यह बाध्यता समझनी चाहिए, जो वे आपको भी समझाएंगे अगर आप उनसे मिलेंगे कि देखिए हमारी बाध्यता यह है, हमें इनमें से बहुमत बनाना है। लेकिन राजनीतिक दलों का दूसरा काम जनतंत्र को जीवित रखना है, जिसकी बात आपने की, जो काम चुनाव के बाद शुरू होता है, चुनाव के दौरान शुरू होता है, जो संसद में होता है, सड़क पर होता है, संसद में जो संसदीय विचार विमर्श की प्रक्रियाएं हैं उनको लगातार जीवंत रखकर होता है, जिनको और उनके बारे में हमने बात नहीं की है कि संसदीय प्रक्रियाएं जिनमें सिलेक्ट कमेटी में किसी प्रस्ताव सरकारी प्रस्ताव का जाना, किसी दूसरे समिति में जाना, सिर्फ उसको सीधे संसद में नहीं ला देना और वहां हाथ उठाकर उसको पारित नहीं करा लेना, या फिर विचार विमर्श नहीं, जिसको अंग्रेजी में आप डेलिबरेटिव प्रोसेस कहते हैं, यह डेलिबरेटिव प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर देना, जिसमें आप हाथ उठाकर अपने प्रस्ताव को पारित करा लेते, तो यह डेलिबरेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अल्पमत है उसको आप अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई मत बन गया तो वह स्थिर रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम तीन लोग यहां जो बैठे हुए हैं, अगर मैं शुरुआत में मेरा एक मत है लेकिन आकार को मौका दिया, आपने मौका दिया और उन्होंने तर्क रखे, तो मैं अपना मत बदल सकता हूं, यह भी उसके भीतर संभावना है। इसलिए डेलिबरेटिव प्रोसेस इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें आप जो सबसे अल्पमत है उसको भी मौका देते हैं और वह अपने तर्क प्रस्तुत करता है। तो संसद में 2014 के बाद हमने ये देखा है कि यह पूरी डेलिबरेटिव प्रोसेस शॉर्ट सर्किट कर दी गई है, यह है ही नहीं, रह नहीं गई। महत्वपूर्ण कानून बिल वे सीधे संसद में लाए जाते हैं और संख्या बल पर उनको पारित कर लिया जाता है। राजनीतिक दल इसका कोई प्रभावी प्रतिरोध कर पाए हों ऐसा हमने नहीं देखा, वे नहीं कर पाए, नंबर एक। नंबर दो, सड़क पर उन्हें जिन सवालों पर सक्रिय रहना चाहिए था, जिससे जनता को विश्वास हो कि ये मुद्दे हैं, मसलन जम्मू कश्मीर के तोड़े जाने का मुद्दा, 370 को खत्म कर दिए जाने का मुद्दा,
इस पर हमारे राजनीतिक दल सड़क पर क्यों नहीं आ पाए, वे अपने अपनी जनता से बात क्यों नहीं कर पाए, वे क्यों डर गए, वे क्यों हिंदू भाषा के प्रभाव में चले गए। या फिर CAA के कानून को ही ले लीजिए, CAA के कानून के बाद आंदोलन किसने किया? राजनीतिक दलों ने नहीं किया, मुसलमानों ने शुरू किया जिसमें बाकी लोग शामिल हुए, ठीक, यह एक तथ्य है। राजनीतिक दल उसमें भी नहीं आंदोलन कर पाए, किसानों का आंदोलन उसको भी राजनीतिक दल आगे नहीं ले जा पाए। तो राजनीतिक दलों ने चुनावों के दरमियान जो जनतंत्र को जीवित रखने का काम होता है वह नहीं किया। अब आप इलाहाबाद में जब मुसलमानों का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा था तो कितने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या नेता वहां पहुंचे बुलडोजर के सामने खड़े हो, क्यों नहीं पहुंच पाए? वो जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं, जो सेक्युलर पार्टी हैं वो एक दूसरे मौके पर तो अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार देती हैं, उनसे कोई परहेज नहीं, लेकिन वे उनके जो वोटर हैं, वे मुसलमान उनके वोटर हैं, वे अपने वोटर के हित की रक्षा के लिए भी उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनको स्वयं अपनी राजनीति में विश्वास नहीं, और जब उनको स्वयं अपनी राजनीति में विश्वास नहीं है तो फिर वे बाकी जनता को कैसे विश्वास दिला सकते हैं? मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा और यहां इस बात को रोकूंगा। 2016 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए और उसके बाद ऐसा लगा कि डेमोक्रेट्स की जगह बिल्कुल खत्म हो गई। 2016 के बाद डेमोक्रेट्स ने क्या किया? डेमोक्रेट्स ने यह तो नहीं किया ना कि वे सिर्फ गोरे मतदाताओं और गोरे ईसाई मतदाताओं को रिझाने में लग गए जो डोनाल्ड ट्रंप के मतदाता थे, बल्कि हमने जो उनकी पूरी कैंपेन देखी 2016 से 2004 साल बाद तक जब बाइडन जीत कर आए, हमने कैंपेन देखी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास गए, हिस्पैनिक्स के पास गए, एशियंस के पास गए, काले लोगों के पास गए, वे लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास गए और कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बात करते रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मुद्दा उठाते रहे, वे घबरा नहीं गए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो सेक्युलर दल हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के पास नहीं जाते हैं, चुनाव के बीच में उनके साथ सड़क पे नहीं दिखना चाहते हैं, उनका घर जब बुलडोजर से गिराया जाता है तो वहां आसपास फटकना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है वो गुप्त रूप से अंधेरे में कभी उनसे जाके मिल लें, फोन पर बात करें, हो सकता है वो उनके वकील की फीस भी दे दें, जो मुझे पता है वो नहीं देते हैं, वो भी दूसरे लोग इकट्ठा करते हैं। तो या फिर जब संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा हो तो वो उन संस्थाओं के साथ कितना खड़े होते हैं, जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं उन पर जब आक्रमण होता है। ऐसा लगता है कि भारत में जनतंत्र को चुनावों के बीच में जीवित रखने का काम व्यक्तिगत वीरता का काम है। एक तीसता सीतलवाड़, एक बहादुर चाहिए, एक मोहम्मद जुबैर बहादुर चाहिए, उमर खालिद बहादुर चाहिए, व्यक्तिगत वीरताएं चाहिए, बहादुर लोग चाहिए, फिर हमारे राजनीतिक दल क्या करेंगे? मानवाधिकार उनका विषय ही नहीं है। तो यह कमी, इस कमी को समझना बहुत जरूरी है ना। अभी जो दिखलाई पड़ रहा है इतना विकराल रूप भारतीय जनता पार्टी का, वो विकराल इस रूप इसलिए भी दिखलाई पड़ रहा है कि बाकी राजनीतिक दलों ने इतना आलस्य बरता है, इतने आलसी हैं और इतने डरपोक भी हैं, इतने कायर भी हैं, वो जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल है और उसको हराया नहीं जा सकता। तो यह दबाव वह इस पूरे तंत्र पर, पूरी व्यवस्था पर बाकी राजनीतिक दल नहीं बना पा रहे हैं, इस बात को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अपूर्व जी, एक सवाल मेरा है आपसे। आप ये मानते हैं कि ये दलों में क्षमता नहीं है या ये चाहते नहीं है कि ये आए रस्ते पर? ये बहस लंबी हो सकती है, लेकिन आकार आपने प्रश्न ठीक किया है और इसमें मेरी अपनी समझ है और यह थोड़ी सी अप्रिय हो सकती है। वह समझ ये है कि हमारे ज्यादातर राजनीतिक दलों को इससे बहुत बेचैनी नहीं होती, और ये एक बुनियादी बात है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इससे उनकी नींद हराम नहीं होती। अगर उनकी नींद हराम होती तो उनका बर्ताव दूसरा होता। एक
दूसरे की जो राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकार के रह गए, जो जिन्हें हम क्षेत्रीय दल कहते हैं वे परिवारों के दल रह गए, और उन परिवारों को अब एक इत्मीनान की जिंदगी बिताने का जैसे आश्वासन चाहिए। तो अगर वह आश्वासन है तो वे बस एक हद तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। और इसलिए मुझे, हमें और आपको ऐसा लगता है कि हम एक आपातकाल में हैं, एक यह एक साधारण समय नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के आचरण से ऐसा लगता है कि यह साधारण संसदीय जनतंत्र की प्रतियोगिता का समय। आप तृणमूल कांग्रेस का व्यवहार देखिए, आप कभी किसी दूसरे क्षेत्रीय दल का व्यवहार देखिए, आप किसी तीसरे नेता का व्यवहार देखिए, वो कहते हैं हमसे बात नहीं की गई, जैसे कि यह किसी और का जिम्मा है, यह सबका मिला जुला जिम्मा नहीं है। तो मेरी एक आशंका यह है कि जो स्थिति अभी है उससे बहुत असुविधा नहीं हो रही है राजनीतिक दलों को। जो असुविधा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लगती है, यानी हर मानवाधिकार कार्यकर्ता को ऐसा लगता है, और मुझे पता है कि वो कल सुबह गिरफ्तार हो सकता है, उसको ये पता है कि यह हो सकता है, इसके बावजूद वो काम कर रहा है। हिमांशु कुमार कल गिरफ्तार हो सकते हैं, इसके बावजूद हिमांशु कुमार काम कर रहा है, लेकिन कोई राजनीतिक दल का नेता यह जोखिम नहीं उठाना चाहता, यहां तक नहीं जाना चाहता। तो उसके लिए अभी भी इमरजेंसी नहीं है हमारे राजनीतिक दलों के लिए, यह मेरा अपना आकलन है। अगर इमरजेंसी होती तो उनका आचरण अलग होता, यह नहीं है। उनको लगता है कि नॉर्मल पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है और यह ठीक है। थैंक यू सर। आपने मेंशन किया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें मैं आकार जी से एक सवाल करना चाहूंगा। उनको सर, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कैसे सिविल सोसाइटी पर पिछले 8 सालों में लगातार हमले हो रहे हैं, एंड लाइक चाहे वो हजारों एनजीओस का FCRA लाइसेंस कैंसिल करवाना हो, या सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट, और यहाँ तक कि कई बारी उनका दिन दिहाड़े मर्डर हो। डू यू थिंक दैट सिविल सोसाइटी इन इंडिया इज अंडरगोइंग अ प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट, एंड व्हाट डू यू थिंक दैट विल हैपन टू द सिविल सोसाइटी एज अ होल इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? जहां तक मैं समझ पाया हूँ, दो चीजें हुई है। एक तो इस सरकार के व्यवहार से बहुत से ऐसे लोग जो पहले अपने आप को सिविल सोसाइटी या एक्टिविस्ट नहीं मानते थे, वो बने हैं। जैसा कि आप देखें कि CAA के साथ जो हुआ, जहां पर हजारों की तादाद में बहुत से शहरों में, 200 के करीब भारत के शहरों में छोटे छोटे ऐसे ग्रुप इकट्ठा हुए CAA के खिलाफ, जिन्होंने पहले एक्टिविज्म या कलेक्टिवाइजिंग किया नहीं था। तो ये इस सरकार की वजह से कि ये चाहता है कि ऐसे कानून आए बीफ पर, शादियां पर, कश्मीर के मुद्दे पर, सिटीजनशिप पर, कि लोग इख्तलाफ उसका करें। तो एक वो ये है। दूसरा, जो स्ट्रक्चरल सिविल सोसाइटी भारत में पहले से एक वाइब्रेंट एनर्जेटिक स्पेस रही है, लेकिन छोटी स्पेस रही है, कि भारत की जो साइज है, एक 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, दर्जन पार्टी हैं हर स्टेट में, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी कहा गया है, जो मैं सिर्फ NGOs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोटरी क्लब की बात कर रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप जो है उनकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वकीलों के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो लोग इख्तलाफ रखते हैं उन चीजों से जो मानते हैं कि गणतंत्र के खिलाफ हो, और देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, सिर्फ NGO का काम नहीं है कि वो बोले किसी कानून के खिलाफ, या सिर्फ मीडिया का काम ये नहीं है, ये बहुत सी और जगहों पर होता है जो भारत में नहीं हुआ है उतना। तो इसको थोड़ा उभर कर और थोड़ा बढ़ना है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि क्योंकि हमारे पास ये जगहें हैं थोड़ी सी, अब बहादुरी चाहिए, जैसा कि अपूर्व जी ने कहा कि तीसरा जो है, जुबेर जो है, उनको जेल में डालेगी सरकार। अगर आप कुछ बोलेंगे
सोशल मीडिया पर छोटा भी, और अब खास तौर पे जो आप मुसलमान हो तो आपको जेल जाना होगा, ये बात हमको समझनी होगी कि ये छूट है हमारे पास थोड़ी सी, लेकिन डेंजर भी बहुत ज्यादा है। दो चीजें जो हुई हैं वो एक तो ये कि क्योंकि ऐसे कानून आते जा रहे हैं रोजाना, या तो आप देखें 2019 के बाद और शायद थोड़ा पहले से इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, 370 है, CA है, लव जिहाद है, बीफ है, हर 2-3 महीने कुछ ना कुछ आते जा रहा है। उसका जो रिजल्ट होगा सिविल सोसाइटी पे वो ये होगा कि जो लोग अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं मानते थे वो खड़े होंगे। दूसरी बात ये कि ये एक यहाँ पर एक नेगेटिव भी है, जो लोग ऐसा समझते हैं कि संवैधानिक तौर पर कोई इख्तलाफ करेंगे उससे कोई बदलाव आएगा और नहीं आ रहा, वो लोग कोई और रास्ते पर जाएंगे। ये भी होगा भारत में, अगर आप इतना दबाव डालोगे सोसाइटी पर, इंडिविजुअल्स पर, कोई ना कोई कितने भी कम क्यों ना हो वो लोग ऐसा रास्ता वो लोग अपनाएंगे जो सही नहीं है। सरकार को ये सोचना है। और दूसरा ये कि जो ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है हमारा सोसाइटी का, ना कि सिर्फ हम, अपूर्व जी ने कहा कि पार्टियां शायद ये दिल पर नहीं लेती कि मुसलमान के साथ आज भारत में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हम देख नहीं पा रहे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर या महंगाई के मुद्दे पर कोई ज्यादा मोबिलाइजेशन या वो लोग कर पाए। तो ये चीजें हमको सीखनी होगी कि ये 47 के पहले ये कैसे हुआ था, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो बंदूक निकालकर गोली मारती थी तब भी, आज भी जैसे। तो ये 75 साल पहले इन्हीं लोगों ने, इन्हीं देश के लोगों ने, इसी देश के लोगों ने वो काम कैसे किया था, ये हमको सीखना होगा। सर, मैं आपको चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा एक्सपैंड करें। डू यू थिंक दैट, एक तो चलो ये समझ में आता है कि बीजेपी वांट्स टू सप्रेस एनी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट दैट इज रेजिंग द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात कर रहे हैं, उनको एक तो खत्म करने की बात समझ में आती है कि बीजेपी के एफर्ट्स रहे हैं। देन सेकेंडली, एक और थ्योरी इसके साथ साथ उठती है, डू यू थिंक दैट बीजेपी वांट्स के संघ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सिविल सोसाइटी स्पेस में इन्फिल्ट्रेट करके अपने लोगों को पोजीशन कर पाए? मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सर। जी सर, यस आकार जी, सॉरी। हाँ, ये हो चुका है और ये दो स्तर पर हुआ है। एक तो जो हम ऑर्गेनाइज्ड आरएसएस कहें, जो संघ के, जो परिवार के जो लोग हैं, जो जाने जाते हैं कि ये संघ के लोग हैं, वो आए हैं अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर वो पहले नहीं थे। दूसरा ये कि ये जो विचारधारा है संघ की कि मुसलमान को अपने जगह दिखाना है, उसको वहीं रहना है, आज कोई डिसेंट नहीं मीडिया में इस बात पर कि रूलिंग पार्टी में पहली दफा 47 के बाद कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, या लोकसभा राज्यसभा में कोई है ही नहीं उनका कोई लेजिस्लेटर, या कोई भारत में पहली दफा 47 के बाद कोई मुसलमान CM नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज, लेकिन होनी चाहिए। इसलिए नहीं है कि ये जो विचारधारा है कि मुसलमानों को वो वहीं पे रहना चाहिए, ये जो जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, और आप बाकी जो व्यवस्था है जैसा कि इकोनॉमी है, नेशनल सिक्योरिटी है, वहां पर कुछ भी हो जाए, जब तक ये चलता रहे, ये जब तक जहर फैलता रहे मुसलमानों के खिलाफ कानूनी तौर पर, रेटोरिकल तौर पर, और जो एक्शन लेती है पुलिस और मॉब्स उसके जरिए, ये जब तक चलता रहे बाकी सब ठीक है। तो ये मैं मानता हूं कि भारत ये एक लंबी लड़ाई है और ये जल्दी जाएगा नहीं। मोदी सरकार शायद हार भी जाए, मैं नहीं मानता कि 2024 में वो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि
पांच या दस साल के बाद जाएं भी, ये जो जहर है अंदर आज समाज में वो जल्दी से जाएगा नहीं। सर मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद को उनका इंटरवेंशन चाहूंगा इसमें। सर आकाश जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई कि 2024 के बाद भी या 5 साल में 10 साल में इसका इम्पैक्ट हमें महसूस होगा। सर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मीडिया का। एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को जनता की नजर में एंटी नेशनल ब्रांड करना और डिसेंट को देशद्रोह की तरह ब्रांड करने में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाउ डू यू थिंक कि इस रोल को चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में? एक बात तो हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान में जिसे आप सहज बोध कहते हैं या कॉमन सेंस कहते हैं, हिंदू कॉमन सेंस, उसमें एक पूर्वग्रह रहा है वो, और वो पूर्वग्रह भारत के मध्यकाल को लेकर रहा है, मुसलमानों को लेकर रहा है। मसलन मैं जब अत्यंत ही धर्मनिरपेक्ष लोगों को भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो यह उनके मुंह से निकल जाता है कि जब विदेशी आक्रांताओं, विदेशी हमलावरों से हमारी भूमि पदाक्रांत हो गई थी, है ना, जब भारत की जमीन को विदेशी हमलावरों ने कुचल दिया था। यह बात हमारे धर्मनिरपेक्ष लोग भी लिख देते हैं, वो मध्यकाल के बारे में जब बात करते हुए लिखते हैं, वो अक्सर लिखते हैं बाहरी आक्रांता, आक्रमणकर्ता। तो ये कॉमन सेंस है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए पिछले 65 साल में 70 साल में एक बड़ी लंबी अवधि तक धर्मनिरपेक्ष सरकारों के रहने के बावजूद जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस मुसलमान विरोधी ही रहा है। यह हमें समझना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्ता में आने के बाद से यह शुरू नहीं हुआ है, ये उसके पहले से हुआ है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। और ये इस तरह से हम बात करने के आदि रहे हैं, हमारे स्कूलों की कक्षाएं, बाकी जगह सब कुछ वे हिंदू और भारतीय को समानार्थी मानती रही हैं। जब भारतीय हमारी संस्कृति कहा जाता है तो उसका मतलब यह भारतीय संस्कृति तो हम हमेशा प्राचीन काल में चले जाते हैं, वेदों में चले जाते हैं। हम कभी भी भारतीय संस्कृति को उस मस्जिद से नहीं जोड़ते जो केरल में पहले बनी थी, या उस चर्च से नहीं जोड़ते, यानी वो भारतीय संस्कृति के आरंभ में कभी भी नहीं आता। तो ये कॉमन सेंस से पहले इसको समझना चाहिए। दूसरा कि मीडिया में भी यह चीज कोई 2014 के बाद नहीं शुरू हुई, खासकर राम जन्मभूमि अभियान, एक सेकेंड, राम जन्मभूमि अभियान को अगर आप याद करें और उसको जिस तरह हिंदी मीडिया ने खासकर कवर किया उसको आप याद करें तो आप यह देखेंगे कि यह जहर जिसे हम कह रहे हैं कि वो आज फैला है, यह जहर कोई 30 वर्ष से फैलाया जा रहा। रामशिला पूजन, उस समय हिंदी अखबारों को देख लीजिए, हिंदी जब मुलायम सिंह यादव को आदेश देना पड़ा कि आप गोली चलाइए क्योंकि हिंसा हो सकती है, तब बाकायदा मुझे पत्रकार मित्रों ने बताया कि उनके हेडक्वार्टर से उनको संख्या बतलाई जा रही थी कि आप इतनी संख्या बतलाइए कि इतने लोग मारे गए। तो यह जहर कोई 30 वर्ष पुराना जहर है, 35 वर्ष पुराना जहर, जिसको स्वेच्छा से लोग फैलाते हैं, ये किसी दबाव में नहीं फैलाया जा रहा, ये विचारधारात्मक रूप से फैलाया जा रहा है। इसलिए इसका सामना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हम सबको मिलकर निभानी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में है, जो दूसरे क्षेत्रों में है, उन सबको मिलकर इसका मुकाबला करना, और वो इसलिए अधिक मुश्किल होगा कि इन 7 वर्षों में 8 वर्षों में ही, जैसे 1977 में जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी हुए तो उसके बाद मीडिया के एक बड़े हिस्से में प्रवेश हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों का, जो अब महत्वपूर्ण पदों पर है मीडिया में, निर्णायक पदों पर। उसी तरह 2014 के बाद शोध संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, हमारे जो रिसर्च ग्रांट करने वाली संस्थाएं हैं वहां निर्णायक जगहों पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, ऐसे लोगों का की बहालियां हुई हैं लेक्चरर के तौर पर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर, जो अगले 30 वर्ष तक रहेंगे
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं 40 वर्ष तक रहेंगे, वो नए लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो ये एक बहुत कठिन काम होने जा रहा है। पहले से मौजूद कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस एक मेजोरिटेरियन कॉमन सेंस है, लेकिन जो एक तरह से डिसिप्लिन्ड या रिस्ट्रेंड था क्योंकि सरकारें सेक्युलर थी, तो वो उतने उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसको खुलकर खेलने का मौका मिल गया है। और अब सरकारी संरक्षण में सारी संस्थाएं सिविल सोसाइटी की, वो सारी संस्थाएं अब संघ के द्वारा संपोषित संस्थाएं हैं, ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, और हमारा काम अधिक कठिन है। मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल जी का धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं मानता हूँ कि गणतंत्र और लोकतंत्र की को जीवित रखने की जंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि डिसेंट का जिंदा रखना, एंड इसीलिए मैं मानता हूँ दैट डिसेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।